गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। पिछले वीडियो में बेटा बात कर रहे थे हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये हम निकल जा रहा कि प्रकाश की किरण को इतना बढ़ाया जाए कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, यह हमने जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा उसमें समझाया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है भाई? क्रांतिक कोण तो क्या कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो सघन में नहीं जाकर पुनः विरल माध्यम में, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो विरल में नहीं जाकर पुनः सघन माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से जा रही है, आप चित्र में देखो, और विरल में नहीं जाकर पुनः सघन में ही आ गई, पानी से चली, टकराकर पानी में ही आ गई, पानी से चली, लेकिन जहां से प्रश्न पूरा हो रहा है वायु आएगी, तो वायु में नहीं जाकर पुनः पानी में ही लौट जाएगी, तो वो घटना है पास वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कल आपने एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ा, बर्ण विक्षेपण। जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण को डालते हैं तो वह जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो प्रिज्म से अपवर्तन होने के बाद कई रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे बर्ण विक्षेपण। इस वर्ण विक्षेपण के समय जो रंगीन पट्टिका प्राप्त हुई, इस रंगीन पट्टिका को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आज मैं उससे आगे थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, और आज मैं आपको आज के वीडियो में पढ़ाऊंगा कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन लेकिन कांच के आयताकार स्लैब से। ठीक है, तो ध्यान दें आज के टॉपिक पर, और टॉपिक है कांच के स्लैब, या स्लैब तो आयताकार ही होता है, कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन आज का ये टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेक्टेंगुलर स्लैब। देखिए, सबसे पहले कांच का आयताकार स्लैब, ये आयताकार स्लैब है। स्लैब का मतलब होती है सिल, किसकी बनी है? कांच की। तो ट्रांसपीरेंट मीडियम है। अपवर्तन में सबसे पहली कंडीशन यह है कि जहां से भी रे ऑफ लाइट पास हो वहां कंडीशन ट्रांसपेरेंट मीडियम टोटल ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एयर ग्लास एंड वाटर। तो देखिएगा यहां पर किस प्रकार की घटना घटित होती है। तो यहां से मैं चलता हूं सबसे पहले प्रकाश की किरण, ये प्रकाश का स्रोत है और यहां से किरण चलती रहती है, ये प्रकाश हो, ये है विरल माध्यम और ये कांच है सघन माध्यम। और ये वायु है, तो यहां से ये चलती है, देखो। ठीक है, तो ये जैसे ही वायु से कांच में आती है तो माध्यम चेंज होता है। और हमने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो पथ से तो
पृथककारी तल से टकराने के पश्चात अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यहां पर देखो बेटा, ये प्रकाश की किरण चली, ये पृथककारी तल आ गया कांच और यहां से विचलित हो गई। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन, विचलित हो। अब यहां पर अभिलंब डालो, कितना विचलन हुआ ये अभिलंब से पता लग जाएगा। ये अभिलंब डालो तो इस किरण का नाम है आपतित किरण। ये जो किरण है इसका नाम है अपवर्तित किरण, इसका नाम अपवर्तित, और ये किरण है अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। अब आपतित किरण से अभिलंब के साथ कोण बना आई आपतन कोण और ये बना आर अपवर्तन। तो हम ये कहेंगे यहां पर, क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण, क्या कहूंगा पहला पॉइंट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में आती है तो पृथककारी तल से टकराने के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसमें कहूंगा आपतन कोण आई इज ग्रेटर देन आपतन कोण आर। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है जब किरण विरल से सघन में जाती है। आप दूसरा पॉइंट देखो, ये तो बात याद है। अब मैं किरण कहां से निकालूंगा, ये जो किरण है अब इसको पार करेगी, ये तो पारदर्शी है तो ये इस तरह सीधी नहीं जाकर अपने पथ से फिर विचलित होगी। अब सघन से विरल में जा रही है, जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित होगी लेकिन अभिलंब से दूर होगी। तो अभिलंब डाल रही है, ये अभिलंब है तो इधर तो आएगी नहीं, अभिलंब से दूर जाएगी, इस तरह अभिलंब से दूर जाएगी। अब मैं क्या कहूंगा यहां, ये जो अभिलंब है ये कौन है आई डैश और ये बनेगा आर डैश। तो अब मैं ये कहूंगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, उल्टा करेंगे, यहां तो जा रही है विरल से सघन में, अब जाएगी सघन से विरल में जाती है। तो ये जो किरण है ये यहां से पृथककारी तल से अपने पथ से विचलित हो जाती है। कहने का मतलब कोण आई का मान आर से कम होगा। ठीक है, अब कोण किसका मान अधिक हो गया, आर का अधिक हो गया, तो आई डैश इज लेस देन एंगल कोण आर डैश। ठीक है, अब नाम भी रखना चाहिए तो नाम भी रख दूंगा मैं, आप देखो पी क्यू आर एस के एल एम और ये नाम लूंगा। अब मैं यहां पर देखो क्या कह रहा हूं, देखो आप इसमें क्या क्या लिखा आपने, नामकरण कर देता हूं, पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण, आर एस ये अपवर्तित किरण भी है और निर्गत किरण भी है, निर्गत किरण। ठीक है, के एल अभिलंब है, अभिलंब के ऊपर पृष्ठ का नाम दे दो ए बी सी और डी। अभिलंब ए बी पृष्ठ पर और एम एन अभिलंब
क्या रहेगा, कोण आई आपतन कोण, कोण आर अपवर्तन कोण, कोण आई डैश आपतन कोण और कोण आर डैश अपवर्तन या निर्गत कोण। ठीक है, फिर हम यहां हमने दो पॉइंट लिखा हुआ है। तो पहले लिखा डायग्राम लिखो ढंग से और इसको बनाने का प्रयास करो तरीके से। पहले डायग्राम लिखो जैसा आपको दिख रहा है, साफ सुथरा स्वच्छ आपको बनाना है इसको। ठीक है, साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना है, फिर मैं आपको इसको लिखाऊंगा। डायग्राम सबने देखा और बनाना भी है बिल्कुल ऐसे कैसे बनाना है। ये एबी पृष्ठ, सीडी पृष्ठ, अविलंब, ये पीक्यू आपतित किरण अपवर्तित हो गई, फिर ये निर्गत है। कोण आई आर आई डैश आर डैश लिखना क्या है, चित्र बनाते रहो आराम से, लिखना क्या है वो आप लिखो। पहला पॉइंट लिखो इसमें, और पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप जब प्रकाश की किरण, पहला पॉइंट जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर, विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में आती है तो अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस दौरान आपतन कोण का मान, इस दौरान आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है। ठीक है, तो अब लिखते हैं आप एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। सेकेंड लिखो आप, ये सघन से विरल में आई। सेकेंड लिखो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद यह अभिलंब है, अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हो जाती है, अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हो जाती है। इस दौरान आपतन कोण का मान
इस दौरान आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होता है, कम होता है। मतलब कोण आई लेस देन कोण आर, यानी आई छोटा है आर से। देखो जिधर ये मुंह है तो ना ऐसा वो बड़ा है और इसके पीछे जो होता है वो छोटा है, तो यहां पर तो ये बड़ा हो गया और यहां पर ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लो। और इसको लिखने के बाद आप एक एक रेखा है कौन है उनका नाम लिखे यहां पर। पी क्यू बराबर आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, आर एस निर्गत किरण, के एल, देखो ये आप पी क्यू भी यहां से लेकर यहां तक है तो ये आपतित है, और क्यू आर यहां से यहां तक अपवर्तित किरण है, और आर एस, अब देखो यदि मैं इसकी बात करूं केवल यहां तो ये आपतित और ये अपवर्तित, तो यहां मैंने इसको नाम दिया निर्गत किरण, और निर्गत किरण अपवर्तित किरण भी है। ठीक है, आगे के एल, के और एल अभिलंब है इसे भी पृष्ठ पर, और एम एन ये अभिलंब है सी डी पृष्ठ पर। कौन आई आपतन कोण, कौन आर अपवर्तन कोण, ऐसे आई डैश आपतन कोण, आर डैश अपवर्तन कोण, इस तरह मैंने इसको उतार और क्लियर भी करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है। करे आराम से, ठीक है। फिर मैं एक नया टॉपिक लेता हूं। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है इसको तो आप करते रहेंगे, वीडियो आपके पास चला चला के देखते रहना, करते रहना। मैं अपवर्तनांक पढ़ा देता हूं। अपवर्तनांक में देखो क्या होता है, अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है, अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है जो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अभिव्यक्त करती है। किसी माध्यम मतलब वो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, चाहे वो पानी हो, कांच हो, वायु हो, ग्लिसरीन हो, केरोसिन हो या हीरा हो, जो भी पारदर्शी माध्यम है उन पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल को अभिव्यक्त करता है, वो अपवर्तनांक है। तो परिभाषा लिखो, सबसे पहले लिखो अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है जो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को व्यक्त करता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं, परिभाषा वो लिखो सूत्र, अपवर्तनांक बराबर माध्यम एक में प्रकाश की चाल बीवन बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल बी टू। तो अपवर्तनांक चिन्ह इससे व्यक्त करेंगे, म्यू बराबर बी वन बटे बी टू।
म्यू बराबर बी वन बटे बी टू, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल या वेग मान लीजिएगा। नेक्स्ट डालोगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक इसे परिभाषा लिखें, यदि प्रकाश निर्वात से, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, निर्वात जहां पर कोई माध्यम नहीं हो, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक कब होगा, जब मान लो माध्यम एक निर्वात हो तो ये कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हुआ, जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा हो तो उसके सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो आपने लिखा यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसका भी सूत्र लिख लो, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग लिख दो चाहे चाल लिख दो बटे माध्यम दो में प्रकाश का वेग। ठीक है, यहां लिखेंगे यू सी बटे वी, म्यू बराबर सी बटे वी। एक लाइन लिखना एरो लगा के, लाइन लिखे अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति घनत्व तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, जैसे आपने वर्ण विक्षेपण में देखा लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम और बैंगनी रंग का सबसे अधिक, तो एक लाइन और ऐड करें, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, तो आज के मेरे इस वीडियो में आपको कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को समझाने का प्रयास किया और आप समझे भी होंगे। आज मैंने अपवर्तनांक भी पढ़ाया जिसमें अपवर्तनांक की परिभाषा और सूत्र बताया। अभी कुछ पदार्थ और हैं अपवर्तनांक, किसी विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक आपको बताने हैं, लेकिन उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक। आज के वीडियो में आपको मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि ठीक प्रकार से कांच का आयताकार स्लैब की स्टडी करें और ठीक प्रकार से आपको जो मेरा अपवर्तनांक बताया उसका ध्यान रखें।
यहाँ पर माध्यम एक में प्रकाश का वेग बटे माध्यम दो में प्रकाश का वेग, तो न्यू बराबर बी अपॉन बी वन अपॉन बी टू, ये माध्यम एक से दो में आ रहा है, ये निर्वात से बी में आ रहा है। सी की वैल्यू याद रखना, निर्वात में प्रकाश का वेग सी बराबर 3×10^8 मीटर बटे सेकेंड होता है, ये ध्यान रखना, ये काम सी बराबर 3×10^8 मीटर बटे सेकेंड। तो देखिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही, जो बताया है उसको कंप्लीट करें, रेगुलर करें और उसको समझ के भी जाएं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।